हरिद्वार मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरंजनी पंचायती अखाड़े के एसएम जैन कॉलेज में बने छावनी रमता पंचों के नगर प्रवेश करने पर उनका मालार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। मेला अधिकारी दीपक रावत व अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह ने रमता पंचों के नगर प्रवेश शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी सहित अन्य संतों को कॉलेज के गेट पर माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह से मेले की शुरुआत हो गई है और ऐसा एहसास भी साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ही सुंदर सुरक्षित भव्य दिव्य महाकुंभ का मेला हरिद्वार में दिखने को मिलेगा। दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेला प्रशासन पूरी तरह से दिव्य भव्य महाकुंभ के आयोजन को पूरी तरह से तैयार है। साधु संतों के आशीर्वाद से महाकुंभ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल व सुरक्षित होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस अवसर पर कहा कि पंचायती अखाड़ा निरंजनी का नगर प्रवेश हुआ है। नगर प्रवेश का मतलब है जो हमारे साधु संत व महात्मा पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं, जब कुंभ आता है तो इकट्ठा होकर नगर प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अखाड़े का आज से महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो गया है। यह 3 मार्च को यहाँ से हम लोग विधिवत पेशवाई शोभा यात्रा के माध्यम से पंचायती अखाड़ा निरंजनी मेला छावनी प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है कि जब नगर प्रवेश होता है तो मेला अधिकारी आदि उपस्थित होकर संत महात्माओं का स्वागत कर परंपराओं का निर्वह करते हैं। हमारा सभी को आशीर्वाद। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि आज अखाड़े के रमता पंच शोभा यात्रा के रूप में अखाड़ा परिसर से तुलसी चौक देवपुरा होते हुए एसएम जैन कॉलेज बने छावनी में पहुंचे। वे यहां कुंभ की शोभा को बढ़ाएंगे। निरंजनी के पंच परमेश्वर और रमता पंच जो आज नगर प्रवेश किया है, वह नगर प्रवेश का मतलब यह है कि जितने हमारे संत महात्मा हैं, पंच परमेश्वर हैं, पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जहाँ जहाँ कुंभ की अवधि होती है वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो 2021 में हरिद्वार का महाकुंभ है, तो आज आ करके उन्होंने नगर प्रवेश किया है और नगर प्रवेश करके 3 मार्च को हम लोग यहाँ से पेशवाई मार्ग पे जाएंगे और शोभा यात्रा का करके छपनी मेला छावनी प्रवेश करेंगे। आपके जो रमता पंच हैं, साधु संत हैं, जो अलग अलग देश के क्षेत्र में रहते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्होंने आज यहाँ पे रमता पंच ने प्रवेश किया है एसएम जैन के प्रांगण में और यहाँ पे सभी साधु संत एकत्रित होंगे। इसके बाद जो 3 तारीख को जो भव्य पेशवाई निकलेगी वो यहीं से निकलेगी, तो उसी क्रम में आज सभी साधु संतों का हमने यहाँ पे स्वागत भी किया और उन सब का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके आशीर्वाद से मेला सकुशल संपन्न होगा और सब इसका आनंद लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।